प्रवेश इन्फो में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारी किचन में एक मसाला है जिसको हम जीरा कहते हैं। जीरा हम अपनी सब्जियां बनाने में या सब्जी में छोक लगाने के काम में लेते हैं, परंतु वो औषधीय गुणों से भरपूर है। आज हम इसी वीडियो के माध्यम से ये बताएंगे कि वो हमारी कई प्रकार शरीर की बीमारियों से हमारा बचाव करता है, हमको स्वस्थ रखता है। जीरा दो प्रकार का होता है, एक सफेद और काला, दोनों ही गुणकारी, बट अक्सर सफेद जीरे का ही उपयोग हम अपने किचन में करते रहते हैं। आज हम उसी सफेद जीरे के बारे में विस्तार से विवरण करेंगे। ये जीरा एंटीऑक्सीडेंट होता है। एक्सीडेंट होने की वजह से ये हमारे शरीर को कई प्रकार की बीमारियों से बचाता है, जैसे पेट में आफरा होने, उल्टी या मतली होना, मुंह में बदबू होनी, मलेरिया, डायबिटीज, हार्ट, आंखों की ज्योति, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, बवासीर, कोलेस्ट्रॉल, मोटापा, पेट का फूलना या पेट में दर्द होनी, सूजन होनी या शरीर में किसी पार्ट में अर्थराइटिस, ओल्ड एज में याददाश्त का कमजोर हो जाना, खट्टी डकारे यानी, इन सबको बहुत सुविधा पूर्वक हमको फायदा होता है। इसको लेने की कई प्रकार की विधि है। नंबर एक, रात को एक चम्मच जीरा एक कप पानी में भिगो के रख दें, सुबह उसको अच्छी तरह से हाथ से मसल के छान लें और उसको शहद मिश्री जो भी मिले उसके साथ मिला के खाली पेट ले लें, अन्यथा उस पानी को खूब गरम करें, उबालें, जब वो आधा रह जाए तो उसमें शक्कर मिलाकर खाली पेट कई दिन तक लेने से हमारी ये ऊपर की कई बीमारियां अपने आप से नष्ट हो जाती। हमारे ऋषि मुनियों ने, आयुर्वेदाचार्यों ने बहुत खोज करके कुदरत की दी हुई इन वनस्पतियों को हमारे किचन की एक जरूरत बना दी थी, ताकि हम उसको अपनी रूटीन में प्रयोग करते रहें और अपने शरीर को स्वस्थ रख सके। ये औषधीय गुणों से भरपूर है, बहुत फायदा करता है, परंतु एक चीज इसके अंदर बड़ी इम्पोर्टेंट है, इसको ज्यादा प्रयोग नहीं करना चाहिए। जरूरत पड़ने पर ही और कम से कम प्रयोग करें, जितनी शरीर को जरूरत हो। इससे वजन भी कम होता है। ये किचन का मसाला नहीं, औषधि है जो हमको प्रयोग करते रहना चाहिए और स्वस्थ रहे। मैं आशा करता हूँ ये बहुमूल्य गुणकारी औषधि के फायदे हमने जाने, इसको प्रयोग करते रहें और स्वस्थ रहें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले वीडियो शीघ्र आपको पहुंच सके। आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें।